enviar dois a que surge, a que avar. ब्रेक के बाद अब होली की बात करते हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शिव और शिव के साथ चिता की भस्म से होली खेली गई। मान्यता है के अनुसार रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन बाबा भोलेनाथ विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट स्थित महाशमशान पर आते हैं और महामशान की राख से अपने भक्तों के साथ साथ पंच तत्व विलीन होने वाले लोगों और जीव जंतुओं से होली खेलते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भक्त महाशमशान मणिकर्णिका पर मसान की राख और अबीर गुलाल से चिताओं के बीच होली खेलते हैं। तो होली के अनेक रंग हैं। इधर मथुरा के गोकुल में छड़ी मार होली का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से श्रद्धालु गोकुल पहुंचे और साथ ही टेसू के फूलों के रंग से रसियों और ब्रिज के गीतों के साथ छड़ी मार होली खेली। इस दौरान भक्त कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आए और जमकर होली का लुत्फ उठाया। भगवान श्री कृष्ण कारागार में जन्म लेने के बाद यमुना पार नंद बाबा के गांव गोकुल आ गए थे। तभी से जो श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे उन्होंने गोकुल में छड़ी मार होली खेली थी, तभी से ये छड़ी मार होली की परंपरा यहाँ गोकुल में चली आ रही है। उसी को लेकर आज जो कुछ तैयारियाँ हैं आप देख सकते, दिखा सकते हैं जो मैं इस समय गोकुल में मौजूद है। यहाँ आप जो श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं, छड़ी मार होली की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से छड़ी मार होली भी यहाँ खेली जा रही है। शुरुआत हो चुकी है छड़ी मार होली की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस तरह भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। जो गोपिकाएं होती हैं वो छड़ी मार होली यहाँ खेल रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर छड़ी मार होली, यहाँ देखो ये मैं हम इनसे बात करेंगे। छड़ी मार होली यहाँ खेल रही हैं। ये क्या नाम है आपका? पूजा, यहाँ छड़ी मार होली क्यों खेली जाती है, क्या महत्व है इसका? जी ये बताने में शायद शर्मा रही हैं। हम और किसी श्रद्धालुओं से यहाँ बातचीत करेंगे। ये भी होली के लिए, क्या नाम है आपका? यहाँ ये छड़ी मार होली क्यों खेली जाती है? अच्छा, तो जब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे तो यही होली छड़ी मार होली खेली थी, तो उसी की परंपरा चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा, जो छड़ी मार होली श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ गोकुल में खेली थी वहाँ उसकी परंपरा चली आ रही है। हम और श्रद्धालु उनसे ही बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ की अगर परंपरा की बात की जाए तो काफ़ी वर्षों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। तो अगर पुलिस फोर्स यहाँ काफ़ी तैनात किया गया है। मथुरा से इंडिया वॉइस संवाददाता गौरव चौधरी। कहीं छड़ी मार, कहीं लठ मार, कहीं फूलों, कहीं लड्डू की होली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।